प्रिय भैया बहनों, विद्या भारती शिक्षण संस्थान स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन महावीर नगर तृतीय में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th सब्जेक्ट गणित प्रकरण में एक चर वाले रैखिक समीकरण आज हम पढ़ते हैं। प्रश्नावली 2.2, इसमें हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, अगर आपको किसी से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। मतलब वह संख्या पूछी गई है जिसमें से 1/2 घटाने पर जो परिणाम मिलता है उसको 1/2 से गुणा करने पर अपन को मिल जाता है 1/8, तो वह संख्या अपन को पता करना है। तो जो संख्या अपन को पता नहीं है वह संख्या, उस संख्या को कहते हैं अज्ञात संख्या। तो अपन लिखते हैं, माना कि अज्ञात संख्या x, अब x अपन ने संख्या मान ली, अब प्रश्न के आधार पर अपन हल करते हैं। तो अज्ञात संख्या अपनी है x, अब x में से 1/2 घटाने पर जो परिणाम आता है x माइनस 1/2 का जो परिणाम बनता है उसको 1/2 से गुणा करते हैं। ये लिखा हुआ है 1/2 से गुणा करने पर, तो 1/2 से गुणा करने पर अपन को प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है 1/8, तो इक्वल टू 1/8 अपन को मिलता है। तो पहले अपन इसको x को किससे इंटू करेंगे, इंटू 1/2 से, 1/2 से x को इंटू किए करेंगे, तो x के साथ इंटू करके 1/2 लिखेंगे। फिर 1/2 को किससे इंटू करेंगे, माइनस 1/2 से, 1/2 को माइनस 1/2 से इंटू करेंगे, तो माइनस 1/2 इंटू 1/2, तो इससे इंटू करेंगे, तो अब इक्वल टू कितना प्राप्त होता है, 1/8 ये प्राप्त होता है। तो अपन देखिए इसमें अपना है, इसमें इंटू किया अपन ने, तो ये अपन ने x को x के अपॉन नहीं है, तो x अंश है, अंश को अंश से इंटू किया 1 से, तो x को 1 से इंटू किया, तो x अपॉन 2, इधर माइनस और ये है प्लस, प्लस और माइनस को इंटू किया तो माइनस, अब अंश को अंश से इंटू किया तो अर्थात 1 को 1 से इंटू किया 1, और हर को हर से इंटू किया अर्थात 2 को 2 से इंटू किया 4, ये प्राप्त हुआ। इसके बाद अपन ये चर वाली x की x अपॉन 2 है, ये चर वाली है, ये अचर वाली है, अचर का स्थान दाएं तरफ होता है, इसलिए इसको माइनस 1/4 को अपन दाएं और राइट साइड में भेजेंगे, तो ये अपनी जगह पर बैठी है, तो इस जैसी की जैसी माइनस 1/4 को अपनी जगह राइट साइड में भेजेंगे, तो यहाँ माइनस की है तो यहाँ आती है, प्लस की हो जाती है, अपना स्थान पे जाती है तो चिन्ह बदल कर जाती है, तो यहाँ प्लस हो गया, प्लस 1/4, और ये इक्वल टू 1/8, ये अपनी जगह पर है, तो ये जैसा है वैसी है। अब इनके 1/4 प्लस 1/8 के एलसीएम लिए, तो 4 से 8 डिवाइड हुआ 2 बार, 2 को 1 से इंटू किया, 2 इंटू 1 तो 2, फिर 8 से 8 डिवाइड हुआ 1 बार, 1 को 1 से इंटू किया 1, फिर अपने 2 प्लस 1 इनको प्लस किया तो 3/8, इधर x अपॉन 2। अब ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में भिन्न वाली संख्या हैं, तो इनको कैंची गुणा करेंगे, वज्र गुणा, तो 8 को x से इंटू किया 8x, और 2 को 3 से इंटू किया 6। अब x के साथ 8 इंटू में है तो ये किस में चला जाएगा, बटे में, बटे का मतलब अपॉन में, तो x इक्वल टू 6/8। अब 6 और 8 किससे डिवाइड होते हैं, ये 2 से, 6 2 से डिवाइड, 6 2 से डिवाइड हुए 3 बार और 8 2 से डिवाइड हुए 4 बार, अर्थात x इक्वल टू
थ्री अपॉन फोर, ये इसका आंसर अपन को प्राप्त हुआ। अब अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन अपन करेंगे, अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, इसमें इसमें आया इस इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये एक आयताकार तरण ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। आयताकार जो तरण ताल है उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई के दुगने से भी 2 मीटर अधिक है। अब यदि इसका परिमाप कितना है, 154 मीटर है, तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करें। तो अपने इसकी आयताकार तरण ताल की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। अब अपने पास लंबाई तो निकाल लेंगे अगर चौड़ाई होगी, क्योंकि चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर रहती है, तो अपने पास कौन सी संख्या नहीं है, चौड़ाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है। जब चौड़ाई आ जाएगी तो लंबाई तो अपन आराम से निकाल लेंगे। तो लंबाई निकालें, अब प्रश्न को हल करते हैं अपन। देखिए प्रश्नानुसार अपन ने माना कि अज्ञात संख्या चौड़ाई x मीटर है, x मीटर मान ली, क्योंकि चौड़ाई के आधार पर अपन लंबाई निकाल सकते हैं। अब प्रश्नानुसार लंबाई कितनी हो गई, 2x, क्योंकि चौड़ाई की दुगनी, ये चौड़ाई x है तो इसकी दुगनी 2x, अब चौड़ाई के दुगने से भी 2 मीटर अधिक है, तो प्लस 2 मीटर करेंगे तो लंबाई हो गई। अब परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप का सूत्र क्या है, 2 × cos लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब परिमाप, अब कह रहा है परिमाप कितना है, तरण ताल का परिमाप है 154, तो परिमाप के नीचे परिमाप अंकित कर दिया, और 2 के नीचे 2 इंटू लंबाई के नीचे लंबाई की संख्या 2x + 2, ये लंबाई की संख्या, और चौड़ाई की जगह x प्लस चौड़ाई। इसके बाद देखें इसमें अपन अब इसको हल करते हैं, तो अपने 154 = 2, अब यहाँ 2x और 1x दोनों को प्लस किया तो 3x + 2, अब इसको 2 को 3x और प्लस 2 से इंटू करेंगे, तो 2 से 3x को इंटू किया 6 और 2 को 2 से इंटू किया 4, तो इस प्रकार ये अपन ने 2 से इंटू कर लिया। अब अपन इसको पक्षांतर करेंगे, क्योंकि ये अचर वाली संख्या राइट साइड में, तो ये यहाँ प्लस की है तो ये इधर आते ये माइनस की हो गई, तो -154 इधर अपनी जगह पर बन गया। अब इधर ये चर वाली जो संख्या है इसका लेफ्ट साइड में स्थान है, यहाँ ये प्लस की है तो इधर आते ये माइनस की हो गई 6x, तो 6x = -154 + 4, और जैसा का जैसा। इसके बाद 154 में से प्लस 4 गया तो माइनस के 150, अब 6 एक्स के साथ इंटू में है तो ये किस में आ गया, 6/2 में आ गया। अब माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और 6 से 150 कितनी बार डिवाइड हुआ, 25 बार, तो एक्स का मान आ गया, एक्स का मान आ गया 25 मीटर्स। अब अतः लंबाई कितनी हो गई, चौड़ाई के दुगने, तो 2 से चौड़ाई की जो संख्या आई है उसको 2 से इंटू करेंगे और प्लस 2, क्योंकि 2 अधिक है तो 2 × 25 + 2, तो अपना हो गया 25 को 2 से इंटू किया 50 प्लस 2 बराबर कितना हो गया अपना 52 अपना ये बन गया। तो इस प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन अपना हल हुआ, तो लंबाई और चौड़ाई की संख्या अपन ने प्राप्त कर ली है। अब अपन इसके बाद अगला अपना आता है, ये 2 क्वेश्चन अपन ने प्राप्त के लिए, अब तीसरे क्वेश्चन में है अपन पढ़ते हैं, इसमें 2 संख्याओं का योग 95 है, 2 संख्याएं जिनका योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, जो दूसरी संख्या है उससे पहली संख्या 15 अधिक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब अपन को दूसरी संख्या मालूम नहीं है तो अज्ञात दूसरी संख्या अपन ने x मान लिए है। प्रश्नानुसार अब पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है दूसरी से 15 अधिक, तो दूसरी x है, x में 15
प्लस करते ही पहली संख्या हो गई और दूसरी संख्या x, और दोनों का योग मतलब दोनों को प्लस करने पर 95 बनता है। तो अपन ने ये 95 बना दिया। अब इसके बाद अपन इनको आगे हल करते हैं। तो देखें इसमें 2x, अब ये प्लस 15 प्लस 15 है तो ये अपने राइट हैंड साइड में जाएगी, क्योंकि ये इसका स्थान राइट हैंड साइड में है, ये अचर है। तो ये इधर यहाँ प्लस की है तो इधर आती ये हो गई अपनी माइनस की। तो अपन ने हल किया इसको 2x, अब 95 में से माइनस 15 गया तो अपना शेष रह गया 80। तो 2x इजकल टू 80, तो x इजकल टू 80 अपॉन 2, ये 2 कहाँ से आया, यहाँ इंटू में था तो ये भाग में आ गया, तो 2 से 80 डिवाइड हुआ 40 बार, तो अपनी संख्या प्राप्त हो गई। दूसरी संख्या अपन ने x मानी थी तो दूसरी संख्या 40, और पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो 40 से 15 अधिक है तो 40 से 15 प्लस कर दिया तो पहली संख्या हो गई 50। तो इस प्रकार आज अपन ने 3 प्रश्न हल किए। ये तीनों प्रश्न आपको गृह कार्य में करना है। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो विद्यालय में आएं और अपनी समस्या का समाधान करें। धन्यवाद।